हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा टू कलर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये वर्धमान वाले नॉर्मल फोर प्लाई वाले वूल ली है और मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इस डिजाइन को फोर प्लाई वूल में, जैसे वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा ये होती है, इसके अंदर अगर आप बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इस डिजाइन को बुनना चाहते हैं 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। तो डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिजाइन को बुनने के लिए हम यहाँ पर 2 के मल्टीपल में फंदे लेंगे। आप जितने भी प्रोजेक्ट में आपको फंदे चाहिए, आप जोड़े के हिसाब से इसमें फंदे डाल लीजिएगा और फिर इस डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट रो है। बॉर्डर बनाने के बाद जैसे हम फर्स्ट रो बनाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक उल्टा बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है। और डिजाइन बनाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो ये फर्स्ट रो हम ऐसे ही बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा पीछे करते हुए, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ऐसे ही इस रो को हम बुन लेंगे। इतना सुंदर डिजाइन बन के आएगा, बहुत ही प्यारा सा मोती वाला डिजाइन बन के आएगा। बच्चों के आप स्वेटर में, बच्चों के कार्डिगन में, बच्चों की कैप में, गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनेगा। लास्ट का फंदा हमारा उल्टा आएगा। अब आ गए हम सेकंड रो में, रॉन्ग साइड में। तो अब जो फंदा यहाँ से सीधा दिखाई देगा उसको सीधा बनाएंगे, उल्टा दिखाई देगा उसको उल्टा बनाएंगे। अब ये फंदा यहाँ से हमको सीधा नजर आएगा तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। तो ये 2 सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हो आप 2 सिलाई उसकी ऐसे ही बुन लीजिए, एक फंदा उल्टा, एक सीधा। तो 2 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब धागे को पीछे रखेंगे ऐसे, ऐसे इसको धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पर तीसरी सिलाई बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं, एक उल्टे एक सीधे के। फिर तीसरी रो को भी हम यहाँ पर सीधा सीधा वाइट कलर से ही बनाएंगे। पूरी रो को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। ऐसे इसको पूरी को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये राइट साइड है, हमारी थर्ड रो है। इतना सुंदर डिजाइन बन के आएगा और बनाना बहुत ही इजी है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो ये थर्ड रो हमारी बन के कंप्लीट हुई।
अब आ गए हम फोर्थ रो में रोंग साइड में। तो अब यहाँ पर फिर से इस रो को पूरी को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ए ऐसे उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर चार सिलाइयाँ हमारी वाइट की बन चुकी हैं। चार सिलाई के बाद फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। दो सिलाई हमने बॉर्डर की तरह बुनी है, फर्स्ट और सेकंड, एक उल्टे एक सीधे की। थर्ड रो को हमने सीधा बनाया है और फोर्थ रो को हमने उल्टा बनाया है। तो ये उल्टे बना के हमने कंप्लीट की। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सेकंड कलर। तो ये मैंने सेकंड कलर रेड कलर लगा लिया है। चार सिलाइयाँ बन चुकी हैं, पांचवी सिलाई को ध्यान दीजिएगा, एक फंदा हम ऐसे रेड कलर से बनाएंगे। अब धागे को ऐसे आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और दो फंदों का एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे। फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे। तो जो फंदा दो का एक होके कम होगा वो धागा घुमाने से फंदा बढ़ जाएगा। फिर से ऐसे घुमाएंगे और दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे और दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब ये लास्ट का एच स्टिच है, इस फंदे को भी उल्टा ही बना लेंगे। तो पांचवी सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ गए हम छठी सिलाई पर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो फंदा ये हमारा दो फंदों का एक है, ये फंदा हम यहाँ से उल्टा है तो यहाँ से ये फंदा सीधा बनेगा। तो फर्स्ट फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, सीधा बनाएंगे, फर्स्ट फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से ये फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो ये हमने जाली डाल के धागा घुमा के फंदा बनाया था, इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब ये जाली से बड़ा हुआ फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब जो ये जाली से बड़ा फंदा है, इसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जो सीधी तरफ से दो का एक बनाया था इसको यहाँ से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये जाली से बड़ा फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। तो छह सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट हुई और डिजाइन हमारा इस तरह से आएगा। अब छह सिलाई फिर से बनाएंगे, तो अब फिर हम रेड कलर से ही बनाएंगे, जैसे हमने ये फर्स्ट रो से और सिक्स रो तक बनाई है, ऐसे ही अब हम दोबारा से बनाएंगे। तो पहले हम एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा, धागा अपनी तरफ, ऐसे ही बुनते हुए इस रो को फिर से कंप्लीट करेंगे। जो वाइट कलर से डिजाइन डलेगा मैं आपको एक बार वो डाल के दिखा दूंगी, ताकि आपको दोबारा से डिजाइन डालने में परेशानी ना हो। तो ये फंदा एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से सीधा। सीधा फंदा दिखाई देगा सीधा बनाएंगे, उल्टा दिखाई देगा उसको उल्टा बनाएंगे। तो ये सातवीं सिलाई हमारी बन के कंप्लीट हुई, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। सात सिलाइयाँ बन चुकी हैं। अब आ गए हम आठवीं सिलाई पर। आठवीं सिलाई को फिर से ऐसे ही करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, सीधा, धागा अपनी तरफ, उल्टा, धागा पीछे, फंदा सीधा,
डिजाइन तो हमारा ये दो सिलाइयों में बन के आएगा। दो सिलाई हमारी उल्टी सीधी बनेंगी और दो सिलाई हमारी बॉर्डर की तरह एक उल्टा एक सीधे का बनाते हुए कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी आठवीं सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आ गई हम नौवीं सिलाई में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब दो सिलाई हमने बॉर्डर की तरह बुनी है और दो सिलाई हम उल्टे सीधे बनाएंगे। तो इसको यहाँ से पूरी को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद एकदम बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आता है। जब इसको थोड़ा सा हम बुन लेंगे तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। तो ये हमारी नौवीं सिलाई बन के कंप्लीट हुई। दसवीं सिलाई को फिर बैक साइड से हम पूरी को उल्टा बनाएंगे। यहां से इसको पूरी को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस डिजाइन को आप किसी भी कलर में डाल सकते हैं। उसी में एक डिजाइन बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आता है। तो ये हमारी सिलाई बन के कंप्लीट हुई। दस सिलाई हमारी बन चुकी है। अब आ गए हम सीधी तरफ ग्यारहवीं सिलाई में। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हमने फिर से ये व्हाइट कलर लगाना है। तो फर्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर घुमाएंगे दो का एक बनाएंगे। धागा घुमाने से ऐसे फंदा बढ़ जाएगा और दो का एक करने से घट जाएगा, तो फंदे हमारे इक्वल ही रहेंगे। फिर घुमाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर से दो का एक बनाएंगे। एज स्टिच फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए इसकी रोंग साइड बारहवीं सिलाई में। तो ये फंदा सीधा बनाएंगे, स्टार्टिंग का धागा अपनी तरफ, ये दो का एक है, इसको उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे, ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, जाली वाला सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा। धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, जाली वाला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। इस सिलाई को हम ऐसे ही पूरा करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा लास्ट का उल्टा। तो 12 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा दो बार डिजाइन डल चुका है। जब आप इन 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका इस तरह से ये छोटे छोटे मोती जैसे डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, डिजाइन पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।